नमस्कार दोस्तों, आप अगर महाशिव के बहुत बड़े भक्त हैं तो उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो जरूर सुना होगा। 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर हैं जिसमें से महाकालेश्वर मंदिर एक है। कहा जाता है जो इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर दे वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जानिए इस वीडियो के दौरान कि महाकालेश्वर मंदिर के क्या महत्व हैं। आपने सुना ही होगा जैसे आकाश में तारक लिंग और पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर कालेश्वर लिंग, यह सबसे विशेष माने जाते हैं। कालेश्वर को पृथ्वी पर अधिपति भी माना जाता है। कहते हैं कालेश्वर एकमात्र में राजा भी थे। कालेश्वर मंदिर की क्या है विशेषता जानिए इस वीडियो के दौरान। नंबर एक, दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग। आपने दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह एक दक्षिण दिशा में स्थित मंदिर है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग चलती है। कहते हैं दक्षिण के राजा खुद यमराज हैं, इसलिए लोग वहाँ जाकर पूजा करते हैं, व्रत भी रखते हैं, उपासनाएं भी करते हैं। कहते हैं यदि मृत्यु के बाद राज के घर जाना होता है तो उनके द्वारा दी जाने वाली उनके उपरांत दी जाने वाली सारी उपासनाएं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। नंबर दो, अकाल मृत्यु से दूर तक दूरी। कहते हैं शिव अकाल मृत्यु को दूर कर देते हैं। कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान शिव यानी कि दक्षिणामुखी के दर्शन कर ले उसे अकाल मृत्यु से मोक्ष मिल जाता है और वह आगे जाकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। नंबर तीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों तो आप एक बार जाकर दक्षिणामुखी मंदिर के दर्शन जरूर करें। कहते हैं अगर आप मन में इच्छा पूर्ति लेकर जाते हैं और आपके मन में कोई मैल ना हो तो इससे भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, चाहे वो धन से हो, धान्य से हो, या निरोगी से हो, या दीर्घ आयु से, या फिर संतान के कारण आपकी जो भी समस्याएं होंगी वो सब दूर हो जाएंगी दक्षिण कालेश्वर मंदिर जाकर। नंबर चार, अकाल को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ले तो उसे अकाल मृत्यु या फिर ही रोग से उसे मुक्ति मिल जाती है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही सारे पाप और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जानिए कि इस कालेश्वर मंदिर के दर्शन कर लेंगे तो इससे आपकी कितनी समस्याएं दूर हो सकती हैं। नंबर पाँच, कहा जाता है महाकाल की आरती के लिए भस्म की आवश्यकता होती थी। पहले भस्म मुर्दे ताजा मुर्दे की भस्म से ही आरती की जाती थी, परंतु महात्मा गांधी के आग्रह करने पर वह विधि रोक दी गई। कहते हैं ऐसा करने से भी उनके, आप तो जानते ही हैं कि महात्मा गांधी सत्याहिंसा के कितने बड़े पुजारी थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने के लिए मनाही की। ये थे कुछ ऐसे कारण जिन कारणों से आपको पता चलेगा कि अगर आप महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं तो इससे आपकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। महाकालेश्वर मंदिर को ही एक यमराज का मंदिर भी कहा जाता है, इसलिए अगर किसी भी रोग से लड़ रहे हो या किसी भी समस्या को दूर करना चाहते हो तो एक बार महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।